हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी अपनी सेफ्टी। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे रूट मार्कर साइंस के बारे में। रूट मार्कर साइंस क्या होते हैं, उसका यूज क्या है, ठीक है? तो आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूट मार्कर साइंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं। आप देख सकते हैं, पहले स्टेट हाईवे रूट मार्कर साइंस, नेशनल हाईवे रूट मार्कर साइन, एशियन हाईवे रूट मार्कर साइन एंड एक्सप्रेसवे रूट मार्कर साइन। तो चलिए डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए अब सीखते हैं स्टेट हाईवे रूट मार्कर साइन के बारे में। अब स्टेट हाईवे रूट मार्कर साइन क्या होता है? देखो, स्टेट हाईवे रूट मार्कर साइन का बैकग्राउंड हमेशा ग्रीन में होगा और इसमें जो फॉन्ट साइज होंगे लिखावट, ये हमेशा व्हाइट पे होंगे, ठीक है? अब आप देखेंगे ये बी आर क्या है। बी आर मीन्स बिहार, ये कोड वर्ड है। अगर ये महाराष्ट्र होगा तो यहाँ एम एच लिखा रहेगा। इसी टाइप से स्टेट वाइज है, अगर यूपी है तो यूपी लिखा रहेगा। तो ये स्टेट वाइज यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, मीन्स वो स्टेट हाईवे का है। और ये क्या है, एस एच, एस मीन्स स्टेट, एच है हाईवे। और ये 74 मीन्स उस स्टेट हाईवे का नंबर है, ठीक है? स्टेट हाईवे 74, 71 कुछ भी हो सकता है। अब इसकी साइज क्या है, अब इसकी साइज देखते हैं। ये जो है 600 mm बाई 800 mm का होता है, ठीक है? अब इसका यूज देखते हैं। ये देखिए, ये है हाँ स्टेट हाईवे। अगर आप किसी हाईवे से जा रहे हैं, अगर आपको इस टाइप का साइन बोर्ड दिखे ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, आप समझ लिए आप स्टेट हाईवे पे जो है सफर कर रहे हैं, ठीक है? अब ये कहाँ लगाते हैं, ये मोस्टली आपको जंक्शन, जो मेजर जंक्शन है, जंक्शन से पहले लगाया जाता है एंड जंक्शन के बाद लगाया जाता है। अब जंक्शन से कितना मीटर पहले लगाते हैं वो भी देखते हैं। ये जंक्शन से 100 से 150 मीटर पहले लगाते हैं, मीन्स मिनिमम आपको 100 मीटर रखना है, मैक्सिमम 150 मीटर रख सकते हैं। आप उसके बीच में ही साइन को प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह जंक्शन के बाद कितने मीटर बाद लगाना है आप देख सकते हैं। ये भी वही है, जंक्शन के आप 100 to 150 मीटर ये आप उसके बाद लगा सकते हैं। मतलब मिनिमम आपको 100 रखना है, मैक्सिमम 150 रखना है, ठीक है? चले अब नेशनल हाईवे रूट मार्कर साइन। नेशनल हाईवे रूट मार्कर साइंस का इसका बैकग्राउंड क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, नेशनल हाईवे रूट मार्कर साइन का हमेशा बैकग्राउंड येलो कलर पे होगा और इस पे जो लिखावट होगा वो ब्लैक पे होगा, ठीक है? आप ये देख सकते हो, एन एच मीन्स, एन मीन्स नेशनल, एच फॉर हाईवे। ये क्या है, उस एन एच का नंबर है 45, ठीक है? तो ये एन एच 45 का रूट मार्कर साइन है। अब इसका यूज देख लेते हैं। ये रहा जंक्शन, ये क्या है, अगर आप देख रहे हैं, आप किसी रोड पे जा रहे हैं, आप इसको इस टाइप का साइन बोर्ड दिखे जिसमें येलो बैकग्राउंड हो, तो आप समझ ले ये नेशनल हाईवे है, ठीक है? अब इसका प्लेसमेंट क्या होगा, इसका प्लेसमेंट सेम जैसे स्टेट हाईवे में प्लेसमेंट करते हैं, सेम उसी तरह इस पे भी प्लेसमेंट उतना होता है। मतलब ये 100 से लेके 150 मीटर बिफोर होगा जंक्शन से, सेम उसी तरह 100 to 150 मीटर, 100 to 150 मीटर बाद में इसको लगाया जाता है। इसका ये इसलिए लगाया जाता है आपको ये इंश्योर करने के लिए, जो आप जो है NH45 में चल रहे हैं। अब जंक्शन के बाद कई बार क्या होता है, जंक्शन यहाँ तक एंड हो जाता है। जैसे यहाँ एंड हो गया, कोई और NH आके यहाँ एंड हो गया, अब कुछ और NH यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो यहाँ से दूसरा NH है, तो आपको ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है, जो नहीं ये सेम NH से आप गुजर रहे हैं, ठीक है? अब चलें, अब देख हम आज सीखेंगे फिर एशियन हाईवे रूट मार्कर साइन। अब एशियन हाईवे रूट मार्कर साइन क्या होता है, अब पहले आप जान लिए एशियन हाईवे क्या होता है। एशियन हाईवे होता है जो विद इन एशिया, एशिया महाद्वीप के जो कंट्री को जोड़ने का काम करता है, मीन्स ठीक है, उसको एशियन हाईवे बोलते हैं। मतलब विद इन एशिया, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है उसको जो रोड कनेक्ट कर रही है कंट्री वाइज, वो एशियन हाईवे कंट्री जो है
एशियन हाईवे कनेक्ट करती है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं किस तरह का रूट मार्कर साइन होता है। ये देख ले, एशियन हाईवे का जो रूट मार्कर साइन होगा ब्लू बैकग्राउंड होगा और उस पे जो लिखावट होगा वो व्हाइट पे होगा। ठीक है, ये देखिए, ए है ए फॉर एशियन, एच फॉर हाईवे 45। साइज सेम है, 600 mm बाई 800 mm। अब इसका यूज देख लेते हैं। ये मान लो एशियन हाईवे वो है एशियन हाईवे है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको प्लेस क्या कर कितने में करेंगे, जंक्शन से कितने दूरी पे करेंगे और ये कितने हाइट पे होगा। ये हमेशा 2 to 2.5 मीटर हाइट पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, और कितने देर दूर पहले होगा ये 150 to 200 मीटर पहले, मतलब मिनिमम आपको 150 मीटर रखना है, मैक्सिमम 200 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप इसके बीच में ही कहीं प्लेस्ड कर सकते हैं, या तो मिनिमम 150 तक तो आपको करना ही पड़ेगा। उसी तरह क्या है, सेम आपको 150 to 200 मीटर बाहर प्लेस्ड करना पड़ेगा। ये अब चले नेक्स्ट एक्सप्रेस वे। अब एक्सप्रेस वे इसका भी रूट मार्कर का जो वो है कलर है बैकग्राउंड होगा वो भी ब्लू में होगा। ठीक है, और इसमें लिखावट व्हाइट पे होगा, साइज भी सेम है। अब देख लीजिए ये एन क्या है, एन फॉर नेशनल, ई फॉर एक्सप्रेस वे, मतलब नेशनल एक्सप्रेस वे। बेसिकली इसका काम ये है जो आपको बता रहा है, जो उस एक्सप्रेस वे का क्या नंबर है। ठीक है, आप बस ये जान लो। अब इसका यूज भी देख लेते हैं। सेम वही जैसे हम एशियन हाईवे का रूट मार्कर को प्लेस करते हैं, हाइट जितनी रखते हैं, सेम इस पे भी आपको 150 to 200 मीटर पहले रखना है, प्लेस करना है, और 2 to 2.5 मीटर प्लेस हाइट पे प्लेस होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। उसी तरह सेम 150 to 200 मीटर बाद ये प्लेस होगा। ये हो गया एक्सप्रेस वे रूट मार्कर लाइन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप कुछ भी सीखे, कुछ भी नॉलेज आपको गेन हुआ इस वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।